आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ये सब क्या है और इन सब में आपस में क्या अंतर है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। दरअसल उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों ही महाद्वीप या महादेश हैं, तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि उत्तरी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं होगा, ना ही दक्षिणी अमेरिका का कोई राष्ट्रपति होगा या प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि एशिया का भी कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यूरोप का भी कोई नहीं है, कंटिनेंट का कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं होता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्योंकि दक्षिण अमेरिका एक महादेश है तो इसके अंदर कई सारे देश आएंगे, तो दक्षिण अमेरिका में कुल 12 देश हैं, तो आपको ये याद रख लेना है, और उत्तरी अमेरिका में टोटल 23 देश हैं, और इन्हीं 23 देश में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आपको जाना है तो आपको नॉर्थ अमेरिका में उतरना होगा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसमें टोटल स्टेट्स यानी राज्य जिसको हम बोलते हैं USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये स्टेट्स जो है वो टोटल 50 है, यानी हिंदी में बोले तो राज्य टोटल 50 है, इसलिए इस देश के झंडे पर 50 स्टार लगा रहता है, आप देख सकते हैं। जब हम अमेरिका का जिक्र करते हैं तो हम USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही जिक्र करते हैं। अगर हम बोलते हैं अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आया है तो हमारा तात्पर्य होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति, ना कि नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका का राष्ट्रपति। इन दोनों महाद्वीप पे देश के अलावा आइलैंड और काफ़ी कुछ है जो कि उतनी गहराई में हम जानने वाले नहीं हैं। इस वीडियो का मकसद मेरा यही था, इस डाउट को क्लियर करना। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।